लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। भाटपाड़ा के विधायक अर्जुन सिंह के खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें शुक्रवार को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। पार्टी के फैसले की जानकारी देते हुए तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार को विधान भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तृणमूल कांग्रेस को पीछे से चाकू मारने की साजिश हुई, लेकिन यह सफल नहीं हुई। 1-2 लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन भाटपाड़ा के कई नेता, जिसमें संजय सिंह भी हैं, तृणमूल में शामिल हुए हैं। उनके साथ भाजपा नेता धर्मपाल गुप्ता भी तृणमूल में शामिल हो गए हैं। भाजपा नेता मुकुल राय पर तंज कसते हुए पार्थो ने कहा कि काचरापाड़ा के एक नेता को एक पार्टी के लिए उम्मीदवार की खोज में है, लेकिन उनकी तलाश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दलेर मध्ये आलोचना करेछि, परिषद दलेर मध्ये आलोचना करेछि, किन्तु आमरा ठीक करेछि जे दलेर तरफ थेके आमरा शास्तिमूलक ব্যবস্থা নেব এবং সেই মতন তাকে 6 বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করা হল। দীনেশ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে এক নতুন জীবন লাভ করলো, এই কারণে যে যারা ভাবছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে যারা নেতা হলেন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে তার পিছন থেকে ছুরি মারবার ব্যবস্থা করলেন, তাদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ হচ্ছে এবং যারা অন্যান্য দলের যারা সেই ব্যক্তিকে সামনে রেখে দল করেননি, দলে আসতে চাননি, তারাও সকলে একত্রিত হয়ে দলে এসেছেন। এতে দল আরও মজবুত হবে।